Thank you, sir. Finally, आज कंपा बिल पास होने जा रहा है और मैं इस बिल के सपोर्ट में कहने जा रहा हूँ. जहाँ तक मेरा जानकारी है, उड़ीसा के कंट्रीब्यूशन कंपा फंड के लिए काफ़ी है, लगभग 7,000 करोड़ है. और मैं उम्मीद करता हूँ मंत्री जी से बिल पास होने के बाद जितना जल्द हो सके राज्यों को फंड दिया जाए और इसके लिए डेडलाइन भी तय किया जाए ताकि लेट ना हो. कंपा बिल फंड के बारे में हमारा पहला सुझाव है कि क्लॉज 3 में राज्यों द्वारा जुटाए गए धन का जो 10% नेशनल फंड में रहने का जो प्रावधान किया गया है उसे घटाकर 2% किया जाए, क्योंकि एफोरेस्टेशन और उससे जुड़े जमीन काम राज्यों सरकार ही करते हैं और इसके अलावा भी राज्य सरकार के पास कोई रिसर्च करने के प्रयास करते हैं, स्टडी करके नए नए चीज़ें करने के लिए प्रयास करते हैं. इसलिए जो नेशनल फंड में 10% है उसे घटा के 2% किया जाए. महोदय, स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ वायु चाहिए, इसके लिए घन जंगल चाहिए. महोदय, जो नेशनल अथॉरिटी में जितने भी पैसा आ रहे हैं उसका सटीक उपयोग होना चाहिए, सटीक विनियोग होना चाहिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, रोड में इधर उधर ज़्यादा खर्च ना करके रिसर्च में, फॉरेस्ट ग्रोथ कैसे होगा इसमें, जंगल के सुरक्षा में, वाइल्ड लाइफ में. और आजकल हम देख रहे हैं कई जगह पथरीली जगहों पे बहुत हज़ार पेड़ लगे हुए हैं पर उसका कोई केयर नहीं कर रहे हैं. 8 साल 10 साल के बाद भी वो पौधे की पौधे रह रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए. और आजकल हम देख रहे हैं जहाँ हमारा जंगल सब है, घन जंगल है, वहाँ पे आसानी से आग लग जा रहा है. लेकिन आग लगने के बाद फिलहाल हमारे 4-5 माह नीचे हमारे मयूरभंज के सिमलीपार में काफ़ी आग लग गया था, बहुत मुश्किल से काबू में आया है. ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में भी लगा था. लेकिन आग लगने के बाद हज़ारों लाखों पेड़ नष्ट होने के बाद हम पहुंचते हैं, तो ऐसा इक्विपमेंट लाया जाए बुझाने के लिए जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. महोदय, अफोरेस्टेशन के लिए काटते हैं पेड़ लेकिन लगाते हैं पौधा, जो कि पौधा बढ़ने में 25-30 लग जाता है, 25-30 साल लग जाता है. हम हर साल हम हाईवे रोड बनाते रहेंगे, लाखों पेड़ करते रहेंगे लेकिन सिर्फ पौधा ही लगाते रहेंगे. सो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो हम देख रहे हैं चीन में कई नई टेक्नोलॉजी आया है, बड़ा बड़ा पेड़ को निकाल के कहीं और जगह लगा देते हैं, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी हमें भी अपनाना पड़ेगा ताकि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो 25-30 साल ना लगे और जो हमारे जो हमें चाहिए स्वस्थ जीवन, जो घन जंगल चाहिए वो बना रहेगा. महोदय, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, कल हमारे ऑनरेबल MP साहब ने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में तारीफ किया था, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ. मैं कहना चाहूँगा पहली बार भारत में, आपने कल तारीफ किया इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, भारतवर्ष में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जंगल में जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, जंगल में जो वनवासी रहते हैं 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से, 100 साल से, उनको पहली बार उनका जंगल जमी पट्टा दिलाया है
और सबसे ज़्यादा हमारे उड़ीसा में हुआ है। महोदय, मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये बिल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे कहने के लिए मौका दिया इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद।